की गलियारों में दो हसीनाओं के बीच कैट फाइट होना एक आम बात है। अब तक बॉलीवुड की कई हसीनाओं के बीच कैट फाइट हो चुकी है और इसी लिस्ट में नाम शामिल होता है बेबो यानी कि करीना कपूर खान और दिया मिर्जा का। जी हाँ, जब दोनों ही एक्ट्रेस के बीच कैट फाइट हुई थी। हमारी इस रिपोर्ट में आज हम आपको बताने जा रहे हैं करीना कपूर खान और दिया मिर्जा के बारे में, जब करीना दिया मिर्जा पर बुरी तरीके से नाराज हो गई थी। इस बात का खुलासा खुद दिया मिर्जा ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिया मिर्जा ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें करीना कपूर, उर्मिला मातोंडकर, नम्रता शिरोडकर को लखनऊ में एक इवेंट में हिस्सा लेना था और इस खास मौके पर उन्हें कॉटन का सलवार सूट पहनना था और साथ में उन्हें झंडा भी कैरी करना था। वहीं करीना घाघरा चोली के साथ हैवी ज्वेलरी कैरी करना चाहती थी और इसे उन्होंने अपने लिए स्पेशली बनवाया था, लेकिन इसके साथ ही नेशनल फ्लैग भी नहीं पहन रही थी। इस बात को लेकर नम्रता शिरोडकर काफी नाराज हो गई थी और करीना अलग दिखना चाहती थी। दिया ने आगे ये भी बताया कि उन्होंने नम्रता से कहा था कि उनका आउटफिट लेकर बाहर चली जाएं ताकि मामला अकेले में सुलझाया जा सके, लेकिन उस दौरान करीना को पता नहीं हुआ क्या हुआ, वो जोर से उन पर चिल्लाने लगी थी। करीना चिल्ला कर कहने लगी थी कि तुम होती कौन हो, तुम हो कौन नम्रता को सलाह देने वाली। और उस दौरान दिया मिर्जा एकदम हैरान हो गई और बहुत परेशान हो गई, वो बिना जवाब दिए कमरे से बाहर चली गई। दिया कहती हुई नजर आई कि इस घटना के आधे घंटे बाद करीना के सेक्रेटरी ने आकर कहा कि करीना ने पूछा है कि क्या दिया तैयार हो गई है। वहीं दिया ने आगे ये भी बताया कि कुछ वक्त करीना दिया से ऐसे बात कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो इस नतीजे पर पहुंची कि करीना तर्कहीन, अनफेयर और लाउड लड़की है। और इस तरीके से दिया मिर्जा ने करीना कपूर के साथ हुए इस किस्से को लेकर अपने इंटरव्यू में जिक्र किया था। वेल, बॉलीवुड के गलियारों में ऐसी कई हसीनाएं हैं जो एक दूसरे के साथ भिड़ती हुई नजर आई हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यारा सा बॉन्ड शेयर करती हुई भी नजर आती हैं। आज के समय में देखा जाए तो करीना कपूर खान अपनी सेकंड प्रेगनेंसी को लेकर चर्चाएं बटोर रही हैं, तो वहीं दिया मिर्जा आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। हमारे इस खास रिपोर्ट में दर्शकों इतना ही, लेकिन जाने से पहले दिया मिर्जा को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।